subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, students. Welcome to Sir Abdul Sattar Khan YouTube channel. We are going to learn essential English grammar verb forms. This is session 5 hai. Let's begin and go to the next session, next clip. Main verb. What is a main verb? The main verb is also called the lexical verb or the principal verb. This term refers to the important verb in the sentence, the one that typically shows the action or state of being of the subject. Main verbs can stand alone or they can be used with a helping verb, also called an auxiliary verb. Main verb kya hota hai? Ise lexical verb bhi kehte hain ya principal verb bhi kehte hain. ये मेन वर्ब का क्या होता है, इसका मानी होता है क्या ये एक एक्शन वर्ड है, ये स्टेट ऑफ बीइंग या सब्जेक्ट को बताता है. मेन वर्ब अकेला भी वह बयान कर सकते हैं या वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मेन वर्ब. अ वर्ड विच शोज सम काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज मेन वर्ब. अब उसके एग्जाम्पल देखेंगे. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज वर्ब. इन सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्ब है. सुनीता विलियम्स ज्वाइन द टीम ऑफ साइंटिस्ट. सुनीता विलियम्स ने टीम ऑफ साइंटिस्ट को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइंट क्या है, ये मेन वर्ब है. शकुंतला देवी बिगैन हर करियर फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी. शकुंतला देवी ने अपना करियर मद्रास यूनिवर्सिटी से शुरू किया. शुरू किया यानी बिगैन, ये भी मेन वर्ब है. मेजर जनरल आसिफ करीम वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर. मेजर जनरल आसिफ करीम एक कमांडिंग ऑफिसर थे. तो इसमें वॉज भी वर्ब आएगा लेकिन कमांडिंग ये एक मेन वर्ब है. नेक्स्ट, प्रेजेंट फॉर्म. व्हाट इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म. द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ द सेम एज द इन्फिनिटिव फॉर्म विद टू रिमूव्ड एज. जैसे टू फॉर्म होता है तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे बेसिक या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहेंगे. उसी से जो प्रेजेंट फॉर्म बनता है उसमें से टू निकाल देना है. जैसे कि टू सी में से टू निकाल दिया सी, टू बी में से बी टू निकाल दिया बी, टू वियर में से वी टू निकाल दिया वियर, टू गो में से टू निकाल दिया गो. द रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ यूज टू क्रिएट द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब व्हेन कंजुगेटेड. दिस इज ऑलवेज ट्रू विथ रेगुलर वर्ब्स बट मे नॉट अप्लाई विथ इररेगुलर वर्ब्स डिपेंडिंग अपॉन द टेंस द एग्जाम्पल्स. अब क्या होता है कि जो रूट वर्ब है उसका यूज़ करते हैं और उसमें से जब हम टू निकालते हैं तो उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ब फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, पास्ट फॉर्म. पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म्स फॉर रेगुलर वर्ब्स इज द रूट वर्ब. अब देखिए रेगुलर वर्ब में सिर्फ क्या करते हैं, हम ई डी लगाते हैं, प्लस करते हैं ई डी. इट्स ओनली यूज विद द पास्ट टेंसेस. नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल क्या रहेगा, पहले रूट देखेंगे. रूट फॉर्म यानी प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल. सिंग सैंग संग, सी सॉ सीन. सी प्रेजेंट, सॉ पास्ट और सीन पास्ट पार्टिसिपल. फॉल प्रेजेंट, फेल पास्ट, फॉलन पास्ट पार्टिसिपल. गिव गेव गिवन गो वेंट गॉन. जैसे कि आई हैड गिवन हिम फॉर हिज अनकाइंड वर्ड्स. उसके बाद साइमन हैड लिफ्ट लिट कैंडल्स ऑल अराउंड द रूम. नेक्स्ट, आई एन जी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब. द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग आई एन जी टू द रूट वर्ड. इट्स यूज इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव वर्ब टेंसेस. जिसे आप कंटिन्यूस टेंस कहते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं उसमें आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है. चलिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस देखते हैं, इसमें वर्ब फॉर्म्स आपको आइडेंटिफाई करना है. अरुणा स्पीक्स इंग्लिश. सिद्धार्थ लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अर्गन विजिटेड द श्राइन ऑफ द सेंट. सीमा हैज़ टेकन बुक्स ऑफ द ट्रैवलोज. समीर हैड बीन चैलेंजिंग ओपोनेंट सिंस टू मंथ्स. राकेब इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट. सुमन वॉज विजिटिंग हर पेरेंट्स हाउस. इसमें से जितने अंडरलाइंड येलो वर्ड्स है वो सब के सब आपके वर्ब फॉर्म्स है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय.